Yeah, so we knew that, the game kind of led to its own script then because we lost those wickets in the middle there, couldn't really afford to go too early. Had to take it deep, try and take it as late as possible. We saw from their innings also batting that they got a couple in the end there, so. T20 वर्ल्ड कप 2022 में नबीबिया की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। नबीबिया के कप्तान और डेविड वीजा पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। डेविड वीजा बहुत गमगीन नजर आए। डेविड वीजा पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव रोने लग गए। डेविड वीजा जिन्होंने आज शानदार इनिंग खेली, डेविड वीजा का कहना था कि आखिरी ओवर में हम ये स्कोर बना सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से मैं आउट हो गया और मैं टीम को मैच नहीं जितवा सका। डेविड वीजे ने 36 बॉल पर 55 रन की शानदार इनिंग खेलकर टीम को जीत के करीब पहुंचाया, लेकिन 3 बॉल पर जब 10 रन चाहिए थे तो डेविड वीजे आउट हो गए। डेविड वीजे और नबीबिया के कप्तान दोनों ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों बहुत अफसरदा नजर आ रहे थे क्योंकि नबीबिया की टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर हो चुकी है। नबीबिया ने अपना पहला मैच श्रीलंका से खेला और श्रीलंका को शिकस्त दी थी। दूसरा मैच नदरलैंड के खिलाफ नबीबिया की टीम खेली, नदरलैंड नबीबिया की टीम से जीत चुकी थी और अब आज नबीबिया का आखिरी मैच था यूएई के साथ। नबीबिया की टीम 7 रन से हार कर T20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर हो चुकी है।